तो मैं चालू करूंगा एक केसिंग निकालने के साथ। इस केसिंग को 8 mm के 10 बोल्ट्स रहते हैं, 10 mm के 2 बोल्ट्स रहते हैं और 2 स्क्रूज रहते हैं। तो ये सब आपको पहले निकालने हैं। नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी एक्सेस का गियर बॉक्स खोल के दिखाऊंगा अंदर क्या रहता है वो। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था वीडियो करने के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो किया है। इसी तरह आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं आपको कैसा वीडियो चाहिए वो, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर मैं फिल्टर के 2 स्क्रू है वो निकाल रहा हूँ। इधर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों बोल्ट नहीं निकालने हैं, ये ऑयल के बोल्ट्स है और ये निकला मेरा फिल्टर। अभी ये फिल्टर निकालने के बाद उसके नीचे एक स्क्रू रहता है वो आपको निकालना है। बाद में इधर 2 10 mm के बोल्ट्स रहते हैं वो आपको निकालने हैं। अभी ये सब बोल्ट्स निकालने के बाद आपको इधर एक स्क्रू ड्राइवर इधर लगा के हैमर से थोड़ा खटखटाना है और ये केसिंग आपका ऐसा बाहर निकलेगा। अभी पुली निकालने से पहले आपको ये साइड का ये नट निकालना है, तो इसको 22 mm का सॉकेट लगेगा। अभी ये नट निकालने को आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि ये बहुत ही टाइट रहता है, तो इसको ये रॉड डाल के फंसा के रखे, मैंने इधर रॉड डाल के फंसा के रखा है वैसा, और ब्रेक भी मार के आपको रखना पड़ेगा। इसको आपको पूरा निकालना नहीं है, इसको सिर्फ आपको लूज करके रखना है। अभी ये पुली निकालने के लिए आपको ये टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने बाज़ार से लाया है, मुझे इसको 280 रुपीज़ पड़ा है। तो ये स्पेशली मैंने ये वीडियो के लिए ही खरीदा है ताकि मैं ये पुली निकाल सकूँ। तो इधर आपको चाहिए 17 mm का सॉकेट ये नट निकालने के लिए। तो ये पुली निकालने का टूल आपको स्टैंड में फंसा के रखना है और बाद में ऐसे घुमाना है, तो बाद में आपका ये नट लूज हो जाएगा। अब इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी ये नट निकालने के बाद आपका पुली का कवर ऐसे बाहर निकलेगा और बाद में ये पुली आपको ऐसे खींच के बाहर निकालना है। तो ये निकली हमारी पुली। अभी इसको हम साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं गियर बॉक्स के पास। अभी गियर बॉक्स खोलने से पहले आपको इसमें से ऑयल छोड़नी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको चाहिए 8 mm का सॉकेट और आपको ये नीचे वाला ऑयल छोड़ने का बोल्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। जो ऊपर वाला नट है वो ऑयल अंदर डालने के लिए है। तो ये बोल्ट निकालने के बाद आपका पूरा ऑयल बाहर निकलेगा। ये एक्सेस के गियर बॉक्स में 110 ml ऑयल जाता है 90 ग्रेड का, तो इधर आप अच्छी तरह से पूरा ऑयल ड्रेन कीजिए। अभी ऑयल ड्रेन होने के बाद आपको पेट्रोल से ये ब्रश लेके अच्छी तरह से क्लीन करना है। अभी वो क्लीन करने के बाद आपको गियर बॉक्स के कितने भी बोल्ट है वो सब आपको निकालने हैं। ये सब बोल्ट 8 mm के हो गए। अभी वो सब 8 mm के बोल्ट निकालने के बाद आपको 12 mm का सॉकेट चाहिए ये ऑयल डालने का नट निकालने के लिए। तो 12 mm सॉकेट लगा के ये ऑयल डालने का बोल्ट आपको निकालना है। तो अभी ये सब बोल्ट निकालने के बाद आपको थोड़ा हैमर लेके खटखटाना है और थोड़ा इसको लूज करना है, बाद में आराम से बाहर आएगा। अभी इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा ज़ोर से मत मारना, नहीं तो ये टूट भी सकता है। अब इसको खींचने से ये पूरा बाहर आएगा गियर बॉक्स का कवर। तो इसमें आप देख सकते हैं बेयरिंग्स रहते हैं और ये है व्हील जो पुली से घूमता है और पूरे गियर बॉक्स को रोटेट करता है। तो इधर मैं आपको तीनों बेयरिंग का कोड जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये पहला बेयरिंग का कोड है 6203, बाद में बीच में है उसका है 6001 और मेन बेयरिंग का है वो है 6204। तो ये कोड बोल के आप ये बेयरिंग खरीद सकते हो। अब आपको ये लूज करके रखा था वो नट आपको निकालना है। अभी वो नट निकालने के बाद आपका मेन व्हील जो है वो बाहर निकलेगा और इधर वो नट लगा हुआ था। अभी इस व्हील का कोड है SK610, इधर आप देख सकते हैं। तो ये कोड बोल के आप ये व्हील खरीद सकते हो अगर आपका ख़राब हुआ है तो। अगर ये व्हील आपको निकालना है तो इधर ऐसा लॉक रहता है, ये लॉक आपको ये दोनों डॉट में प्लायर डाल के ऐसा एक्सपांड करके बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों साइड में रहता है वो। तो ये दोनों लॉक्स निकालने के बाद ये व्हील आपका आराम से बाहर निकलेगा। अब हम निकालेंगे दूसरा व्हील। तो ये दूसरे व्हील के पीछे एक
वाइसर रहता है, देखिए तो ये ठीक से रखेगा, इसको घुमाएगा मत। तो इस व्हील का कोड है SJ110, तो ये कोड बोल के आप ये व्हील खरीद सकते हैं। और इधर है आपका ऑयल सील, और ये ऑयल सील के पीछे रहता है बेयरिंग, और आपका टायर अगर हिल रहा है तो ये बेयरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये ऑयल सील के ऊपर से ये स्प्रिंग का वाइसर जैसा रहता है, तो ये कैसे डालते हैं वो बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये ऑयल सील निकालने से पहले आपको नया ऑयल सील लाके रखना है, क्योंकि ये ऑयल सील टूट सकता है निकालते समय, क्योंकि ये बहुत ही घट रहता है। ये प्लायर लेके आपको खींचना पड़ेगा, और उसके पीछे जो है वो है बेयरिंग 6204 का। ये बेयरिंग अगर आपको निकालना है तो आपको हैमर और स्क्रू ड्राइवर लेके ए साइड से खटखटाना है जोर से, तो बेयरिंग दूसरे साइड से बाहर गिरेगा। तो वो सेम साइज़ के बेयरिंग्स है जो इस कवर पे मैंने आपको दिखाया था। वो ये बेयरिंग्स आपको चेंज करने हैं तो लेथ के ऊपर जाके आपको फिटिंग करके लाना पड़ेगा। अब वापस डालने के लिए आपको चाहिए गैस्केट। ये गैस्केट 28 रुपीज़ में एक पड़ता है। अगर आप गियर बॉक्स खोलेंगे तो ये गैस्केट आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑयल लीक हो सकता है। तो पुराना वाला गैस्केट आपको अच्छी तरह से स्क्रैप करके निकालना पड़ेगा ताकि आप नया वाला डाल सकें। फिर वापस डालने से पहले आपको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि गैस्केट के पीसेस इसमें गिरे रहेंगे, तो पहले आपको अच्छी तरह से क्लीन करने हैं। तो इधर भी आपको गैस्केट लगी हुई है, वो अच्छी तरह से निकाल के क्लीन करनी है। अब मेरा इधर क्लीनिंग करके हो गया, मैंने गैस्केट पूरा निकाल दिया है। अब मैं जो स्प्रिंग का वाइसर जो हमारे रबर ऑयल सील के ऊपर रहता है वो डालूँगा। थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। व्हील डालने के बाद इधर देखिए मैंने वाइसर पीछे डाला है, और अब मैं व्हील फिट करूँगा। व्हील फिट करने के बाद आपको रोटेट करके देखना है ठीक से रोटेट होता है या नहीं। अभी ठीक से रोटेट होने के बाद आपका ये मेन व्हील जो है वो आपको डालना पड़ेगा। डाल के अच्छी तरह से आपका फिट होना चाहिए, दोनों व्हील्स अच्छी तरह से एलाइन होने चाहिए। तो इधर मैं दोनों पैकिंग रिंग्स जो है वो निकालूंगा, क्योंकि मुझे इधर गैस्केट लगाने के लिए एनाबॉन्ड लगाना है। तो ये है मेरा एनाबॉन्ड, ये मार्केट से मैंने 55 रुपीज़ में लाया है, और ये हाई टेम्परेचर एनाबॉन्ड है। तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से सब जगह लगाऊँगा जिधर भी मेरा गैस्केट बैठेगा। वीवो लगाने के बाद आपको ये स्टील रिंग्स वापस डालने हैं, बाद में आपको ये नया गैस्केट जो है वो लगाना है इधर। अभी गैस्केट लगाने के बाद आपका कवर जो है वो आपको वापस डालना है। ठीक से डालिए और घुमा के देखिए डालने के बाद अगर ठीक से घूम रहा है या नहीं, और बाद में आपको उस पूरे सब बोल्ट्स जो है वो डालने हैं। बे डालने के बाद आहिस्ता हैमर से हटखटाए और अंदर डाले। अभी अंदर डालने के बाद आपको सब बोल्ट जो है वो टाइट करने हैं। याद रहे आपको अपोजिट साइड का बोल्ट पहले टाइट करना है। अब मैं इधर ऑयल जाने का बोल्ट जो है वो डाल के टाइट करूँगा। अब मैं इधर टायर का सिंगल नट जो है वो डालूँगा दूसरी साइड में। अभी सब फिटिंग होने के बाद अच्छी तरह से घुमा के देखिए कोई आवाज़ आ रहा है या स्मूथली घूम रहा है या नहीं। अब आपको डालना है ऑयल, और ये है 120 ml का ट्यूब जो मैंने मार्केट से लाया है। इसके लिए आपको फनल की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे डाल के स्क्वीज करके ऑयल अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इधर ट्यूब को स्क्वीज करके ऑयल अंदर डालूँगा। आपको सिर्फ 110 ml काफ़ी है, लेकिन ये ट्यूब 120 ml है, लेकिन थोड़ा ऑयल उसमें रह जाता है तो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए 120 ml ठीक है। तो ये बोल्ट डालने के बाद हमारा गियर बॉक्स फिटिंग करके हो गया है। वापस डालूँगा मेरा पुली, और पुली में ऐसे बेल्ट आपको फिट करना है। अभी ऐसा प्रेस किया तो बेल्ट लेके ये बेल्ट आपके पुली के अंदर जाएगा, देखिए अब आप इजीली इसको अंदर डाल सकते हैं। अब डालिए आपका पुली का कवर।
बाद में डालिए वाइसर और वाइसर डालने के बाद डालिए नट। अब ये नट आपको टाइट करने के लिए आपको पुली होल्ड करने का टूल लगाना पड़ेगा और बाद में टाइट करना पड़ेगा। अभी पुली फिट होने के बाद आपको एक बार मोटरसाइकिल चालू करके देखना है आपका पुली घूम रहा है या नहीं। अगर आपका पुली नहीं घूम रहा है तो आपको ऑयल लेवल आपका चेक करना पड़ेगा, इंजन ऑयल। तो इधर मेरा पुली ठीक तरह से घूम रहा है तो मैं अभी इसका कवर वापस डालूंगा। अभी ये टाइट करने के बाद आपको गैसकेट लगाने के लिए अच्छी तरह से एनाबोर्न लगाना है। एनाबोर्न लगाने से पहले आपको पुराना वाला गैसकेट जो है वो अच्छी तरह से निकालना है स्क्रैप करके, जो आप सैंड पेपर मार के, और बाद में आपको पूरा कवर जो है वो वापस डालना है और सब स्क्रू वापस डालने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाए मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।